फाइल्स की तकलीफ के लिए नंबर वन सॉल्यूशन अर्शवेदा, जो कि बना है 9 विशेष जड़ी बूटी से। 2 कैप्सूल सुबह और 2 कैप्सूल शाम को, 2 दिन में मिलेगा आराम। अर्शवेदा अवेलेबल है आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें। ऑटो का इंतजार करते नदीम पर गिरा बिजली का हाई टेंशन तार, बहन भांजियां बाल बाल बची, मेरठ की दुर्घटना। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत रविवार 19 मार्च को उत्तर प्रदेश के मेरठ में पुराना कमेले परिसर में नदीम नाम का एक युवक अपनी बहन और भांजियों के साथ ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान बिजली का हाई टेंशन तार टूटा, नदीम पर गिरा। नदीम जो है बिजली के करंट से जल उठा, छटपटाता हुआ जमीन पर जो है तड़पता रहा। उसी दौरान उसके साथ वहां उसकी बहन रेहाना और उसकी भांजियां खुशबू और शाजिया भी साथ में मौजूद थी, मगर ये तीनों बाल बाल बच गई। हादसे की चपेट में अकेला नदीम आया। इस पूरी दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। जहां ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था वो दुकान रविवार को बंद रहती है। नदीम के परिवार ने सोमवार को ये सीसीटीवी फुटेज निकाले और उसके बाद बिजली विभाग के लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है, जाँच की जा रही है दुर्घटना किस तरह से हुई है। वही दुर्घटना के बाद कुछ लोगों ने नदीम की मदद की। उसकी बहन की और भांजियों की चीख पुकार सुनकर एक व्यक्ति लकड़ी का डंडा लेकर दौड़ पड़ा और नदीम के सीने से उसने ये केबल हटाया, बिजली का तार हटाया और फौरन उसके बाद नदीम को अस्पताल पहुंचाया गया, जिसके चलते नदीम की जान बच गई और फिलहाल नदीम पर अस्पताल में इलाज जारी है। Thank you.